इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा जागरूक था। अन्य प्रदेश के लोग तो मंदिरों में बैठ गए, घर में पूजा पाठ कर रहे थे, तूफान ना आए। हरियाणा वाले तो छत पे खड़े होकर एड्डी ठाठा के बाट देख रहे थे कब आओगा कब आओगा। लेकिन जैसा आया वो आपको भी पता है कैसा आया। मेरे तो एक दोस्त ने तूफान की खबर सुन के अपने बच्चे भोपाल भेज दिए। अगले दिन उसके दोस्त का फोन आया, बोले भाई बच्चे ले जा तूफान भेज दे। तूफानी मामले ऐसे ही चले हैं जी, क्या बताएं अब। और हरियाणा में तो तूफान की स्थिति थी, वो अगले दिन बारिश आई थी, बस जबरदस्त। आपने देखा होगा अगले दिन जो बारिश आई, तो एक 20-22 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तर बतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचे तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने। और हरियाणा में तो प्रेम में भी तूफान ही रहता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। प्रेमी बोला तने तो अपना सिर मेरे सीने पर रगड़ के छोड़ दिया, दिल कुरकुरा कोन्या, तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। तो हरियाणा वालों ने तूफान का जितना आनंद लिया वो आप सबको पता है। लेकिन एक तूफान राजनीतिक तूफान भी चल रहा है, चारों तरफ तूफान ही तूफान है। नेताओं के भाषण में तूफान, दिल्ली के राशन में तूफान, 15 लाख के आश्वासन पर तूफान, केजरीवाल के शासन पर तूफान, जिन्ना की तस्वीर में तूफान, पत्थरों वाले कश्मीर पर तूफान, फिल्म की रिलीज पर तूफान, किसी के सूट और किसी की कमीज पर तूफान, आईपीएल में गेंद और बल्ले का तूफान है, सोशल मीडिया पर निठल्ले का तूफान है, आधार कार्डीय पहचान पर तूफान है, हद तो ये है कि तूफान पर भी तूफान है, हद तो ये है कि तूफान पर भी तूफान है, हर तरफ उफान ही उफान है, पता ही नहीं चल रहा तूफान में कश्ती है या कश्ती में तूफान है। शुक्रिया।